आज हमारा घर में मिक्स वेज और सूखी फिश का रेसिपी बनने जा रही है। आप सब देखो कैसे बनता है मिक्स वेज और सूखी फिश का रेसिपी। ये सूखी फिश पहले से मैं तैयार करके रखा हूँ। सूखी फिश को अच्छी तरह से पानी में डिबा के अच्छी तरह से धोया हूँ। धो देना है। फिर एक हाथ में कैमरा और एक हाथ में कटिंग चल रही है मेरा। देसी स्टाइल में कैसे बनता है आप सब देखो। गाइज मेरा कैमरा का वीडियो क्वालिटी थोड़ा लो है, इसलिए कैमरा ठीक से नहीं आ रही है। आप सब मैनेज कर लेना। गोभी आलू टमाटर का और सूखी फिश का सब्जी बनाएंगे हम। सूखी फिश को अच्छी तरह से धो दिया। धोने के बाद कढ़ाई में डालेंगे। पहले से तेल गरम करके रखा हूँ। सूखी फिश का ऑयल में पहले फ्राई करना है 5 से 10 मिनट। चूल्हा कुकिंग सूखी फिश अच्छी तरह से फ्राई हो गया और 2 मिनट फ्राई करना है। सूखी फिश अच्छी तरह फ्राई हो गया। अब हम इसमें सब्जी ऐड करेंगे। गोभी आलू मटर सब्जी फ्राई करेंगे ऐड करेंगे। गोभी आलू को थोड़ा सा फ्राई होने दें। 10 मिनट तक चलाते रहना है। ओके
गोभी आलू अच्छी तरह से फ्राई हो गया। उसमें हम मसाला पहले से तैयार करके रखा था, सिलवाती मसाला हूँ, तो मसाला ऐड करेंगे इसमें। मसाला को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सूखी फिश और गोभी आलू सब्जी के साथ 2 मिनट तक। उसके बाद पानी ऐड करेंगे। इसी तरह मसाला मिक्स हो गया। उसके बाद हल्दी, नमक, मिर्ची, अदरक, जीरा, जितना भी पेस्ट है सब डालेंगे एक एक करके। हल्दी डालने के बाद नमक आ गया। हम ज़्यादा मसाला यूज नहीं करते हैं। ये ब्लैक पेपर है। उसके बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा आधा पक गया सब्जी, तो उसमें अब हम टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर कटिंग कर ऐसे करते हैं, एक हाथ में कैमरा और एक हाथ में कटिंग चल रही है हमारा। टमाटर कटिंग पूरी हो गया मेरा। उसका अच्छी तरह से धो के पानी में डाल देंगे। उसमें 5 से 10 मिनट तक पकने देंगे, फिर हमारा रेसिपी तैयार होके हो जाएगा। अब हमारा रेसिपी तैयार हो गया, अब खा सकते हैं हम राइस के साथ। हम तो राइस के साथ खाते हैं, आप लोग देखो जिसका जो मर्जी खाओ। मेरा कैमरा का क्वालिटी थोड़ा सा कम है, तो इसलिए ठीक से नहीं आ रहा है। मेरा फ़ोन में थोड़ा दिक्कत है। हमारा सूखी फिश और मिक्स वेज का रेसिपी तैयार हो गया।